उस लेडीज ने ना हमारे चाचा जी को ये फोन करके बताया था कि आप लोग चोर उचक्के टाइप से हैं। बस कीजिए अंकल जी, ये बात खत्म हो चुकी है। अंकल जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। राजे, भूल जाइए जो कुछ हुआ। क्या हुआ मम्मी जी? अगर उस औरत ने हमें पहचान लिया तो शांत हो जाइए मम्मी। शांति शांति ही तो नहीं है ये जरूर वही औरत थी पिछली बार जब हम दूसरी कुड़ी को देखने गए थे। हे रब्बा, ये हमसे क्या करवा रहा है रब्बा? मुझे माफ कर दे रब्बा, मेरे बच्चों को माफ कर दे। अगर इस औरत ने इन शरीफ लोगों के आगे अपना मुंह खोल दिया होता तो वो अपना मुंह कैसे खोलेगी? हमने खुद सवेरे बाजार जा उसका मुंह आप भरजाई जी, तुसी ग्रेट हो, क्या जान बचाई है हम सबकी। नहीं क्या हुआ मम्मी जी? मम्मी जी सबसे घबरा गई है। मम्मी जी, हम कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। हम भी जानते हैं कि एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ सकती है। और ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए अपने ऊपर काबू रखिए और अब चलिए। इससे पहले कि वो लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहां आ जाएं, चलिए। मैंने आप लोगों के दिल को जो ठेस पहुंचाई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं जी। देवीर जी, ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे हो भरजाई जी को? आगे देखो ना। अरे मैं तो ये देख रहा था कि तुम्हारी भाभी की स्माइल जो छिप गई थी वो वापस आई कि नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गीत, आप उदास मत होइए। अंकल जी ने जो किया वो सही किया, और फिर भी उन्हें माफी मांगनी पड़ी। वो धार जी, वो शायद नहीं समझते हैं कि अगर आपके जैसी सीधी सादी बेटी हो तो अंकल जी नहीं बल्कि उन्हें भी पूरी तसल्ली करके फिर ही आपका हाथ मेरे हाथ में देना चाहिए। देव जी, हम तो जानते ही नहीं थे कि आप इतने रोमांटिक हैं। Mm-hmm. Mm-hmm.
पता है। अभी चले चूड़ियां लेने। रची, कांच की चूड़ियां माँ के लिए लेते। हाँ चाची जी को ना कांच की चूड़ियां बड़ी अच्छी लगती है। भैया जी वो एक हरी वाली और वो नीली वाली चूड़ियां देना। अब ले ही रहे तो ताई जी के लिए भी ले लेते हैं। आप एक काम कीजिए वो लाल वाली भी दे देना। अब दी चल के चुनिया देख ले। दीदी देखना डॉली बाबा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये लेते भैया इसे पैक कर दीजिए। सची मैं उन लोगों के लिए क्या खरीदूं? किन लोगों के लिए? वो पैक कर दीजिए। उनकी फैमिली के लिए। दीप पर कनाडा में तो सब मिलता होगा ना, तू क्या दे सकती है उन्हें? मैं बताता हूँ। चीचा जी मम्मी जी के लिए गणपति की मूर्ति और भाभी और कामे के लिए चूड़ियां। मुझे शायद बीजी ने बुलाया है, मैं आती हूँ। रची रची सबके लिए कुछ लिया, अपने लिए कुछ नहीं लिया ना? क्या आप ऐसे ही सबका ख्याल रखते हैं? शर्मा क्यों रही है? नहीं वो शुक्र है आपने अपनी नजरें तो ऊपर उठाई। आपने अपने लिए तो कुछ नहीं खरीदा, मेरे लिए भी कुछ नहीं खरीदा ना? क्या मतलब? आप मुझे भी अपना ही समझती हैं। लगता वो नाराज हो गई। आपको अच्छा लगा ये? तो एक काम करो ना, आप अपने साथ दो लेके जाओ, वहाँ तो इसे मिलता नहीं होगा, है ना? हाँ ये सब तो मिलता ही नहीं हमारे कनाडा में। अच्छा जी वही कह रही हूँ, और ले जाओ ना। गीत हाँ तोताराम बताइए देवी जी के भविष्य का हाल। हाँ ओ जी बल्ले बल्ले, आपका हम सफर आपकी जिंदगी में आज ही आने वाला है। आने वाला है? नहीं बाबा जी आ चुका है। ओ जी आ
आ चुका है तो कोई बात नहीं, ये लो ताबी, इसे उसे पहना देना, फिर देखना बाबा जी की मेहर आप दोनों पर हमेशा रहेगी। मेरे लिए भी कुछ नहीं खरीदा ना? बाय बाय मिट्टू। ओए, आप दोनों यहाँ बैठे हो, मैं आप दोनों को कब से मेले में ढूंढता फिर रहा हूँ। चलो चलो, सब जाने के लिए तैयार हो गए, और वैसे भी ब्रिज में बुला रहे हैं आप दोनों को। हाँ तो चलो ना, हम कहाँ देर करें। चल चल चलो तो रांझी के मैसेज ना मैं ही हिर तक पहुंचाती रहती हूँ, बार बार मैं ही फंसती हूँ। मैजिक शो के पीछे तुझे बुलाया है, जा मिले। जनाब कुछ बात करना चाहते थी। ज़्यादा ही नाराज हो गई, अब नहीं आएगी वो। ओ मैडम मोरनी सुनो तो सही। अरे मोरनी सुनो तो। देव पुत्र गीत कहाँ है? गीत शायद दूसरी गाड़ी में बैठी है। रजी? हाँ जी चाची जी। गीत तेरे साथ ही कहाँ है? हाँ जी चाची जी, बैठ गई ना उधर। बैठ गई ना? देव एक बार उन लोगों से पूछ तो ले, गीत उनकी गाड़ी में बैठी है या नहीं। रजी अगी मॉम वो वहीं बैठ गई है। देखिए आप लोग मुझसे दूर रहिए, वरना मैं अपनी वीर जी को बता दूंगी। वीर जी जी, सब लोग कहाँ चले गए? मैडम ये रुमाल क्या आपका है? अब आप क्या करोगी? ये क्या मोरनी जी, हमारे होते हुए आपके आंखों में आंसू? ये सीन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? अरे 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 मैडम मोरनी एक बात तो बताओ, कहीं आपको ओलंपिक की रेस में भाग लेने का शौक तो नहीं? जरा जरा सी बात में भाग लेते हो।